अस्सलाम वालेकुम मेरी YouTube फैमिली, कैसे हैं आप? अच्छा जी, ये देखें जी, आज बखेरा बिखरा हुआ है। ये देखें, ये मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या चीज़ थी और मैंने क्या बनाया इसका। तो मैंने कहा खाने से, दोपहर के खाने से पहले ये मैं दिखा दूँ कि मैं या मीना कारियाँ क्या कर रही थी। मैं ये जो डाइनिंग टेबल के मैट होते हैं ना, ये पड़े हुए थे, पर मैंने गेस्ट रूम के छोटे टेबलों पे मैट बचाने थे, ये नीचे गिर गया। तो यहाँ पे आई है मेरी मेडिसन, इसको भी निकलने के लिए मैं, ये देखिए जी। और फिर बाद में खाना बनेगा, आज अब्दुलराफी ने जाना है तो मटन बनेगा। अब ये चिकन मंगवाया हुआ है, ठीक है, चावल ख़त्म हुए थे वो मंगवाए हैं, ये मंगवाए हैं, बिरयानी बनेगी, ये मटन की कढ़ाई काली मिर्च वाली या हरी मिर्च वाली बनेगी, पूछती हूँ उसको, ठीक है। आज उसकी बर्थडे भी है लेकिन हमने इसको बताया नहीं, सरप्राइज देना है। मेरी इंसुलिन प्रेस रख, ये देखें जी, ये मैट थे, ये मैट थे, इनको मैंने कटिंग किए हैं और मैं अब देखती हूँ ना। अच्छा, बाज़ार में थे लेकिन वो ना, वो 6 पीस का पेयर मुझे मिल रहा था लेकिन मुझे 2 चाहिए थे, तो मैंने कहा अच्छा चले मैं ऐसे जुगाड़ लगाती हूँ, तो अब बचा के देखती हूँ, धोती हूँ उसको पहले, पहले मैं बिछा के देखती हूँ, वहाँ रख के देखती हूँ, अगर सही लगा तो ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं तो फिर देखूँगी बाज़ार में कुछ और। तो चलिए मेरे साथ रहिएगा, पूरी वीडियो देखनी है। यह देखो जी, पिज़्ज़े के सांचे को मैंने ऊपर रखा गुलाई के लिए, तो फिर मैंने ऐसे पेंसिल से निशान लगा के तो कटिंग किया, पहले ये कटिंग किया ऐसे ही तुक्के से ही, लेकिन ये इसकी गुलाई ठीक नहीं आई थी, फिर मैंने इसको ऊपर रख के कटिंग किया है। चले जी, मटर मैंने ऊपर रख दिया गोश्त पकने के लिए कुकर में। मेरी सलाह थी कि मैं रखती हूँ प्रोग्राम, तो मेरा सुबह यही था कि आज मैं मट्टी की हांडी में बनाऊँगी, लेकिन फिर मैंने कहा वो देर लगेगी क्योंकि गोश्त था फ्रिज में पड़ा हुआ, तो आपको सबको पता है कि फ्रिज में जो पड़ा होता है ना गोश्त, वो थोड़ा देर लेता है, टाइम लेता है, तो इसलिए मैंने कुकर में रख लिया। तो इधर मैं बिरयानी की तैयारी कर रही हूँ, बकाया प्याज या प्याज फूज मैंने काट के पहले ही रख लिया है, तो 1 किलो चावलों की बिरयानी बना रही हूँ मैं। 1 किलो चावलों में 1 किलो ही चिकन जाएगा। अच्छा जी, अब बना रही हूँ मैं बिरयानी, ऑयल डाला मैंने थोड़ा सा, तकरीबन 1 कप, और उसमें जाएंगे ये खड़े मसाले, ये क्या कर दूँ? अच्छा, खाना तो बना दो, खाना नहीं खाना, अब दराफे को भूख लगी है जिसने जाना भी है, तो आज सुबह जल्दी उठ गया था। तो ये जा रहे हैं प्याज, थोड़े से मैंने सैलड के लिए रखी है, थोड़े से डालती हूँ। अच्छा जी, प्याज हो गए ब्राउन, तो अब मैं डाल रही हूँ चिकन। तो इधर साथ कुकर मैंने उबाल के वो रख दिया है, और इधर मैंने रख दिया है चावलों का पानी, चावल बॉयल करने हैं। तो ये पुदीने की पत्तियाँ ये डाल देनी है पानी में, और ये खड़े मसाले, ठीक है, नमक, 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 नमक। देखिए जी, किचन में जब बंदा आ जाता है ना, तो फिर एक काम नहीं होते, खाना पकाना के काम नहीं होता, फिर कई काम निकल आते हैं, साथ में सालन में भी डोई हिलानी है। ये देखिए जी, और इधर उधर भी नज़र है कि कोई चीज़ इधर पड़ी है, उसको भी समेटना है। कुकर मैंने उतार के वो रख दिया, उसको मैं डालूंगी कढ़ाई में, फिर उसकी बुनाई करूंगी सालन की। तो मैंने कहा बिरयानी को दम लगा के तो फिर मैं करूँगी, साथ में सैलड बनाना है, मीठा मैंने सुबह ही बना लिया था, तो मीठा बनाया है किडनी और रेशन सैलड, ठीक है, इसकी मैं वेट उठा देती हूँ।
एक काम नहीं होता, कई काम, एक काम के अंदर से 10 काम निकल आते हैं। शोर बाहर हो रहा, राजा गिराज दो रही है। अब्दुलवा से सुबह परेशान था कि आज भाई नहीं चले जाना, उसको ना 2-3 दिन लगते हैं नॉर्मल होने में। मम्मा मैं अकेला रह गया हूँ, मैंने कहा बेटी आप अकेले क्यों हो, मम्मा है पप्पा है। तो इधर डाली हूँ मैं लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच भर के, लहसुन अदरक, ये जी हरी मिर्च का पेस्ट। हरी मिर्च अगर मैं वैसे काट के डालूँ तो मेरे बच्चे नहीं खाते, बच्चे क्या मैं भी नहीं खाती, तो इसलिए पेस्ट बना के मेरा पेस्ट बनाने का ये फायदा है कि जल्दी से दही का रायता बनाना तो वही पेस्ट बना के डाल देता है, पेस्ट का ये फायदा होता है। तो सालन में भी तो हरी मिर्च डालनी होती है ना, इसलिए पानी तक हो गया बॉयल। चावल मैंने भिगो के रख दिए थे थोड़े से गर्म पानी में, ज़्यादा गर्म पानी में नहीं। अच्छा जी अब मैं डालूँ गरम मसाला, कुटा हुआ धनिया, ठीक नमक, नमक मैंने पानी में भी डाला है और मुझसे अक्सर नमक तेज़ हो जाता है, लेकिन अब शुक्र है अब नहीं होता। जब मेरी न्यू न्यू शादी हुई थी तो मुझसे अक्सर नमक तेज़ अक्सर क्या हो ही जाता था, उसकी वजह ये थी कि मेरी जब शादी होके आई थी तो फैमिली नहीं थी, तो मैं आई थी ज्वाइंट फैमिली से, तो समझ ही नहीं लगती थी थोड़ा सा सालन बनाना है, इतना सा सालन बनाना है। तो माशाल्लाह हमारा तो बनता था इतना बड़ा देश का। बिरयानी मसाला डालूंगी मैं, ठीक है। आलू बुखारा मुझे याद ही नहीं रहा भिगोने का, नहीं तो आलू बुखारा तो बिरयानी की जान है, तो मुझे याद ही नहीं रहा। इधर पानी भी वो हो चले, आप डालते हैं इसमें चावल। चावल मैंने थोड़े से गर्म पानी में, पहले भी बताया कि थोड़े से गर्म पानी में मैंने गर्म पानी में भिगोए थे, ज़्यादा गर्म पानी में नहीं। अच्छा जी अब आखिर में जाएंगे टमाटर, टमाटर डाल के और दही डाल के थोड़ा सा दम पे लगाऊंगी, उतनी देर में चावलों को देख लें। ये देखिए जी टमाटर ना बड़े बड़े बिरयानी में अच्छे लगते हैं, दही डाल के फिर इसको मैं लगाऊंगी दम, उतनी देर में चावलों को देख लेती हूँ क्योंकि उनकी मैंने आहिस्ता की हुई है। तो ये खाना सारा अब्दुल रफीक की पसंद का बन रहा है, ठीक है। वो आ गया, उसकी बर्थडे भी है, उसको नहीं पता। 2 दिन पहले था कि बहन उसके फ़ोन आ रहे थे, मम्मा जी उसकी बर्थडे कर ले, उसको बताना नहीं है, तो वो मना कर रहे थे। तो आज मैंने उसके पापा को फ़ोन किया कि जब आएंगे तो केक लेते हैं ना, अभी वो घर नहीं है, तो इसलिए मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ। तो चलिए इसको मैंने थोड़ी सी हल्की आँच कर लूँ, दम पे लगा दिया, उतनी देर मैं चावलों को देखूँ। चले जी अब लगाते हैं बिरयानी को दम। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात करना चाहूँगी कि मैंने अक्सर देखा है बिरयानी खाई भी है, कहीं जाते हैं तो बिरयानी वो ना मसाला वो चावलों के बीच मिक्स हुआ होता है, पता ही नहीं चलता ये बिरयानी या पुलाव है। तो मैं थोड़ी सी आपको टिप बताती हूँ, जो सालन बनना है ना बिरयानी का, उसमें ये देखें बिल्कुल ऑयल ऊपर हो, पानी ज़रा ना हो, ठीक है। ये देखें फिर तो बिरयानी का मज़ा होगा ना, खुशबू देखें। तो मैं अब्दुल रफीक की बर्थडे बता रही थी कि उसकी सालगिरह है, मेरा कॉल आ रही है, तो वो सरप्राइज़, अब सरप्राइज़ नहीं रहा, बताती हूँ क्यों नहीं रहा।
वो ऐसे के दुकान का बच्चा था, तो उसको यासी ने कहा केक ले गया। उसने मेरे नंबर पे फ़ोन नहीं किया, अपने अब्दुलराफे के नंबर पे फ़ोन करके उससे पूछ रहा, अब्दुलराफे भाई कौन सा केक लेके आऊँ, अब्दुलराफे को तो पता ही नहीं था वो। हाँ जी, तो अभी भी फ़ोन उसके नंबर पे है, कहते तो मम्मा जी कौन सा केक, मुझे तो पता भी नहीं है। मैं बच्चे को डांट लगा के तो बाजी मुझे पता ही नहीं है, तो सरप्राइज हो गया हमारा ख़राब। चले खैर, कई बार कहते मम्मा जी अच्छा उसको नहीं ये कुछ भी होता, क्या वो कहता नहीं मम्मा जी क्या बर्थडे करनी है ना, उसको कहना उसने कहना है कि मैंने कोई शर्ट महंगी लेनी है, नहीं उसको नहीं कहता, नहीं फजूल खर्ची तो करनी नहीं है ना उसने। माशाल्लाह से अल्लाह ताला सबकी औलादों को ऐसे ही रखे। तो इसको उठाते हैं इधर से, तो ये देखें जी आप पुदीने की पत्तियाँ ना हो जब तक तो बिरयानी का मज़ा ही नहीं आता। ये लीमू का रस मैंने निकाल के रखा हुआ है, ये कभी भी नहीं ख़त्म होता। ये देखिए थोड़ा सा ऐसे ऊपर डाल देना है ताकि बिरयानी बने खट्टी मिट्टी खट्टी मिट्टी। तो ये देखिए बिरयानी को लग गया दम, तो हमारा सरप्राइज हो गया ख़राब। खैर कोई बात नहीं, अब्दुल वासी आने वाला है उसको भी नहीं पता। ये देखिए जी आप खोलते हैं बिरयानी का दम, ये देख लें माशाल्लाह से, इधर करो ज़रा आगे कैमरा ज़रा, ये देखिए जी ये देख लें खिला खिला चावल है माशाल्लाह से, ये देख लें लगी हुई है भूख अब्दुल राफे साहब को। आलो यार आरे आरे बस आरे सबर का पे माना लबरेज का। चले मैं एक दफा बड़ी डिश में डाल लेती हूँ, नहीं करो बड़ा ग्रह। चले ये बड़ी डिश में डाल लेती हूँ ताकि उठना ना पड़े बार बार, एक दफा ही तसल्ली से खाते हैं। दिस इज माय। चले ठीक है आप ले लेना। ये देखिए जी माशाल्लाह से मुझसे कभी चावल नहीं टूटा, अल्लाह का शुक्र है। बच्चे कहते होते हैं मम्मा जी आपसे चावल क्यों नहीं खराब होते। ये मैंने कटिंग की थी ना, ये छोटे छोटे ट्रिप एंड ट्रिक होती हैं, ये इधर रखने के लिए ये कटिंग की थी मैं, मुझे ये दो का पेयर चाहिए था लेकिन वो मिल नहीं रहा था, फिर मैंने यही जुगाड़ ले लिया है। और लेकिन ये मैं कहती हूँ ये बेहतरीन हो गया कि ये खीर और रेशन सैलड मैंने सुबह ही बना लिया था, और ये दही का रहता है, ये है जी सैलड, ये है सालन बिरयानी, और अब निकालते हैं केक जो था सर मोए मोए जो मोए मोए हो गया। ये मेरा फेवरेट भाई, आप ना कहो भाई, आप ना कहो क्या लिखा है। अब हैप्पी बर्थडे अब्दुल राफे। ये देखे जी वाह वाह, ये भाई सुन चले भाई भाई को करने दो। ये देखे जी खाना भी बना हुआ है, आज अब्दुल राफे ने चले जाना है, तो चले लेते हैं आपसे इजाज़त। वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ मच याद रखो जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।